अस्सलामु अलैकुम। आप सबको ईद बकरीद की बहुत बहुत मुबारक। और यहाँ पे शुरू हो गया हमारी ईद की तैयारियाँ, मिठाइयाँ बन रही है, कुछ हाथ बन के रेडी हो गई हैं। और यहाँ पे आफरीन लगा रही है मेहंदी। हम पूरे घर में लड़कियाँ हो गए सात, और एक को ही मेहंदी लगाना आता है, मेरे एक नेफ्यू को शायरीन को आता है, बाकी हमको आता है, लेकिन काम चलाने वाली उसको अच्छी वाली आती है तो सब उसी से लगवाते हैं। अभी आफरीन लगा रही है, पहले भी कुछ हाथों लग गया है, मेरे कज़िन्स का लग गया है, तो बाद में वो लगा रही है, उसके बाद मैंने लगाया है। और यहाँ पे भाभी तल रही है चावल की मसाला पूरी। हमारे यहाँ ईद में ये पूरियाँ बनती है, चावल की मसाला पूरी, चावल की गुड़ पूरी, ये सब बनती है, गुजिया बनती है, और ये है सूजी के लड्डू। गुजिया मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, वो पहले बन गया था, मैं थी नहीं तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। और यहाँ पे बन के रेडी है ये चावल के मसाले के पूरियाँ, और गुड़ की पूरियाँ भी बनी हैं, वो भी मैं शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाई, वो पहले बन गई थी। और ये चल रही है रात के 11:30 बजे। और ईद के पहले दिन अगर लेट नाइट काम ना हो तो मतलब ईद की फीलिंग्स नहीं आती, तो लेट नाइट होना अच्छा लगता है कि ईद का पहला दिन है, लेट नाइट है। और यहाँ पर नौशीन हम सबको आम काट के खिला रही है, और मैं लगा रही हूँ मेहंदी। मैं सबसे लास्ट थी क्योंकि मुझे लेट हो गया था, मैं सोच रही थी ये कर लूँ वो कर लूँ उसके बाद लगा लूँगी, और लगाने वाले बहुत ज़्यादा है लेकिन लगाने वाली लगा के देने वाली सिर्फ एक है, तो इसलिए वो उन लोगों का ख़त्म हो जाए मैं लगा लूँगी। उसके बाद मैंने लगाया, और ये है मेरे मेहंदी का फाइनल लुक। और ये भाई रेडी हो रहा है, ईद की सुबह हो गई है और भाई रेडी हो रहा है वो ईद के नमाज़ में जाने के लिए। मैं लेट थी इसलिए मैं लेट रेडी हुई हूँ, सोते वक्त लेट हो गया था इसलिए उठी लेट हूँ। और ये जा रहे हैं ईद के नमाज़ के लिए मंसूर भाई और अब्बा। उसके बाद मैं रेडी हो गई, और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत चीज़ें लगाया, या अंगूठियाँ लगा लिया, और चेन तो मैं लगाती नहीं हूँ ऐसे, और ये झुमका मैंने नया लिया था इसलिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ बार बार, ये मैंने लगाया। और अब बारी है ईदी की, तो अब्बा चले गए थे, मैं लेट थी, वो दे नहीं पाए थे, अम्मू के पास रख के गए थे, और अम्मू दे रही है मुझे सिर्फ 200 रुपये, 500 अब्बा का था। और ये नानू दे रही है मुझे 150 रुपये ईदी, और बड़ा वाला ईदी मुझे भाई ने दिया, उन्होंने दिया मुझे 1000 रुपये, और कुल मिला के मेरे कुछ 2000 के आसपास हो गए थे। बहुत खुशी होती है ईदी मिलते हैं जब। और ये हम जा रहे हैं कोई जगह ढूंढने की कहाँ हम फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और ये शायरीन है जो बचपना कर रही है यहाँ पे, जो हमें मेहंदी लगा के देती है, हमारी मेहंदी आर्टिस्ट। और ये हम फ़ोटो की डेमो देख रहे हैं कहाँ अच्छी आएगी फ़ोटो, कैसे अच्छी आएगी। और ईद की दोपहर है, भाई को लगी थी भूख तो वो खा रहे खाना, मतलब ईद के दिन हम सब एक ही साथ खाते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा भूख लगी थी और अम्मू को कुछ काम बाकी रह गया था तो वो साथ आ नहीं पा रही थी, तो हमने सोचा वो खा ले पहले, बाद में हम खाएंगे, तो वो खा रहे, हमने बाद में खाया। और कुछ रेस्ट करने के बाद ये शाम हो गई, अभी शाम को हम लोग चाय मिठाइयाँ और ये कुछ ठंडा भी पी रहे थे, सब मिल के गप्पे मारे, ये पिया, अच्छा किया, मज़ा आया। और अगर ये यहाँ यही तक थी मेरी ईद की वीडियो, आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और